नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार घर का नक्शा लेके आया हूँ। और ये जो डिज़ाइन है वो उन सभी भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा जो ग्राउंड फ्लोर पर ही खुद के रहने के लिए तो बनाना चाहते हैं, साथ के साथ एक साइड जो है रेंट पर्पज़ से भी वो बनाना चाहते हैं, ताकि जो है इनकम भी आता रहे वहाँ से, उनका रेंट से जो है आता रहे उनका इनकम। तो इस तरह का अगर वो सोच रहे हैं बनाने की और एक मल्टीपर्पज़ तरीके से अपना घर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। यहाँ से मैं आपको 100% कहता हूँ, कोई ना कोई चीज़ आपको नई देखने को मिलेगी, ठीक है, और बहुत कुछ नया देखने को आपको उसमें मिलेगा। तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर ऐसे ही हाउस प्लान देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम डिज़ाइन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये मेरे को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। इसको मतलब 5 से 6 दिन मेरे को इसको बनाने में लगा है, और ये हमने हमारे एक सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है, और काफ़ी अच्छे हैं वो जिनका हमने बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा माइंड उन्होंने भी उन्होंने उनका भी था इसमें। तो बहुत अच्छा प्लान है, आपको ज़रूर देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक, चलो ये तो मैं आपको समझाऊंगा, इस नक्शे के बारे में बताऊंगा ही। दोस्तों, जब भी हम अपना घर बनाते हैं ना, तो एक बात अपना ध्यान रखें कि ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट में, और आप अगर ज़मीन को ढंग से वहाँ पर नक्शा अगर सही से नहीं बनवाते हैं और ऐसे ही मतलब बना देते हैं किसी मिस्त्री की सलाह लेकर, और या फिर ऐसे ही, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉपर तरीके से आप अपना घर का नक्शा बनवाएं, ताकि दोस्तों आपका जो पैसों का बजट है ना वो हो सके, और साथ के साथ जो आपका नक्शा बने ना, नक्शा आपका पैसा तो बचाता ही है, साथ के साथ दोस्तों आपको एक ऐसा प्लान बना कर देता है जिससे आपका फ्यूचर में फ़ायदा होता है। जैसे आपका देखने में एक अच्छा एलिवेशन आपको मिल जाता है, और आपका एक छोटी सी जगह में वो मल्टीपर्पज़ बन जाता है। अब मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा प्लॉट है और आपने उसमें मतलब ऐसे ही बना दिए, कमरे वगैरह निकाल दिए, ना तो उसको कोई रेंट पे लेगा है, और वो ज़मीन भी बेकार जाएगी, आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और अपना दिमाग घर का नक्शा बनाते समय, नक्शा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नक्शा सही बना तो ये मान लो कि आपका जीवन भर की कमाई जो पूंजी होती है जो आप लगा रहे हो उसमें, वो आपका अच्छी जगह आपका हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो प्लान प्लॉट साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लॉट साइज चारों, इसकी डायमेंशन जो है वो चारों साइड से इसका डायमेंशन डिफरेंट है, ठीक है। फ्रंट इसका 40 फिट है, बैक इसका 42 फिट है, और एक साइड राइट साइड इसका 47 फिट 6 इंच है, और जो लेफ़्ट साइड है इसका वो आप देख सकते हैं 60 फिट है। तो ये जो प्लॉट है वो बिल्कुल भी गुनिया में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी गुनिया में नहीं है। ये जो प्लॉट है पूरा का पूरा आप देख सकते हैं रेंच है इसके अंदर, ठीक है, सभी साइड से, सभी दिशा से रेंच है। तब भी हमने इसमें एक बेहतर प्लान दिया है हमारे सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने फ्रंट से 4 फिट का सेटबैक छोड़ा हुआ है, ठीक है, और यहीं से आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे समझें ताकि आपको कुछ इसमें नहीं, ज़रूर आप इसमें आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसमें गेट लगेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे साइज़ का एक छोटा गेट यहाँ भी देने वाले हैं, और ये जो गैलरी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक गैलरी जा रही है, ये इस तरह से गैलरी जा रही है 3 फिट 5 इंच की। ये गैलरी बिल्कुल सीधा जा रहा है, और सीधा बिल्कुल जाके यहीं पे, मतलब रेंट वाला आएगा वो इस वाले गेट से आएगा, और सीधा बिल्कुल बैक में उसको उसका सेट मिल जाएगा, जिसमें उसका एक बेडरूम होगा, किचन टॉयलेट होगा, ये रेंट पे देने के लिए है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आपका रेंट पे बुक होता है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं बुक होता है तो एक डोर यहाँ भी लगा रखा है जो कि आपका, आपके मतलब आपके डाइनिंग एरिया से हो जाएगा। तो इस डोर को आप ओपन रखेंगे तो आपका ये जो है गेस्ट रूम का काम करेगा, और ये किचन की जगह स्टोर और टॉयलेट का अटैच वॉशरूम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ये तो हमारा था एक रेंट रूम। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो है ना पोर्च एरिया है, ठीक है, पोर्च का साइज़ आप देख सकते हैं
12 फिट 9 इंच और 15 फिट 3 इंच, 15 फिट 3 इंच कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं 4 फिट और जोड़ दूंगा तो 19 फिट के आसपास हो जाएगा आपका, आराम से यहाँ पर कार पार्क होगा, बाइक भी पार्क होगा, बहुत बढ़िया आपका यहाँ पर पोर्च आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस और करें इसमें कि जो स्टेयर है वो मल्टीपर्पज़ है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर पे हमने यहाँ पर एक डोर दिया हुआ है, तो अगर इस आप इस डोर को हमेशा क्लोज रखते हैं, ऊपर का आप रेंट पे चढ़ा दो तो वो बंदा आएगा, उसको यहाँ पे वो इस ये वाला डोर आप हमेशा ओपन रखना, तो यहाँ से आकर सॉरी मैं यहाँ से आकर सीधा अपने फर्स्ट फ्लोर पर सेपरेट हो जाएगा और वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर डिज़ाइन कराते समय अगर आपका कुछ इस तरह का विचार बनता है तो आपने आर्किटेक्ट से बात कर कर आप वहाँ पर उसको समझा सकते हैं कि मेरे को स्टेयर जो है वो इस तरह से चाहिए कि मैं भी यूज़ कर सकूँ, और मैं और ऊपर का भी जो है रेंट वाले को भी अगर मेरे को कभी देने हो कमरे तो भी मैं उसका अच्छे से इस तरह के आपको डिज़ाइन अगर आप करवाएंगे अपने स्टेयर का तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक रास्ता आप देख सकते हैं, ये यहाँ से भी अपने आप डाइनिंग एरिया में जा सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप के गए यहाँ पर ये आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग पर अगर कोई बैठा है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना स्टेयर भी यहाँ पर डोर 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 लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका वरांदा है, 5 फिट वाइड का वरांदा है, और वरांदे से आपका यहाँ पर डोर लग रहा है, और यहाँ पर आपका ये ड्राइंग हो गया 12 फिट 6 इंच बाई 14 फिट 6 इंच का, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, ठीक है, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इतना बड़ा आर्च क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है अगर आपको यहाँ पर एक एक हॉल में इसे थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़े तो आपको ये पूरा हॉल मिल जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आर्च का एक शेप दे दिया है, ठीक है। अगर आपको छोटी मोटी बच्चे की किसी पार्टी वार्टी करनी होगी तो आप टेबल वगैरह सेट करके इतने बड़े एरिया में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हमने अच्छा कोशिश की है कि इसको थोड़ा मॉडर्न बना सकें डिज़ाइन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन मिलेगा 8 फिट 6 इंच बाई 9 फिट 6 इंच का, बहुत ही बेहतर है ये, अच्छा साइज है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डाइनिंग एरिया, इसका भी आप साइज़ देख सकते हैं 18 फिट 3 इंच बाई 12 फिट का ये डाइनिंग एरिया है, ठीक है। डाइनिंग वगैरह जो भी अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ एक कॉमन टॉयलेट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट दे रखा है। कॉमन टॉयलेट दे रहेगा, रीज़न ये रहता है कि सब इसको यूज़ कर सके, सबके लिए होगा ये टॉयलेट तो सभी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बेडरूम ये हो गया इसमें, ठीक है, और एक बेडरूम ये हो गया। इस वाले बेडरूम के साथ हमने अटैच डाल दिया टॉयलेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टॉयलेट का थोड़ा शेप है, ये बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता, थोड़ा बढ़ जाएगा साइज 6 फिट 7.5 इंच और 22 फिट 6 इंच। मौके पर जब ये कंस्ट्रक्शन होगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 3 फिट 6 इंच से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है ये प्लॉट जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा जो है रेंच में है इस, ठीक है। यहाँ पर इसका एक छोटा ड्रेसिंग बनेगा, तो वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं अच्छा हो रहा है इस बेडरूम का भी, और इस वाला बेडरूम आप देख सकते हैं 11 फिट 6 इंच बाई 12 फिट 6 इंच का ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। उसके अलावा भी आप मैंने जैसे आपको बताया कि रेंट रूम निकाल रखा है, इसको भी आप यहाँ पर डोर ओपन क्लोज कर कर अगर रेंट पे दे रखा है तो इसको आप बंद करो, ताले मार दो दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप अपना कुछ भी लगा सकते हैं, अच्छी सीट लगा, कुछ भी चीज़ लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका रेंट पे रहेगा, परमानेंट रेंट पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं अपने आर्किटेक्ट से। बैक में 2 फिट 6 इंच जगह छोड़ा हुआ है ताकि ये जो रेंच है वो हमारा सही से हम इसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। यहाँ पे 2 फिट 3 इंच जगह है, आप पैसेज आप देख सकते हैं इधर भी छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये डिज़ाइन किया हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप भी हमसे अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं और आपने कुछ सोचा हुआ है पहले से तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने प्लॉट साइज बताकर आप हमसे अपने घर का नक्शा भी बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9760202215 रहेगा। धन्यवाद।